तो मीनार पे काम किया था, 2 दिन बाद यार वो चोरी हो गई। बट वो जो क्लियरिटी नहीं आ रही उसका थोड़ा सोल्यूशन देखना है वहाँ पर। और मेरे GoPro की सिर्फ एक ही बैटरी बची है, वो इसलिए क्योंकि दूसरी बैटरी फूल गई है। वो जब हम वहाँ चांदनी चौक सोचेंगे तब आपको बताएंगे कैसे फूल चुकी है वो दोबारा की तरफ। टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एसनदर ब्लॉग। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, रखते रहना। और एग्जाम का क्या लग रहा है, चल लो भैया चलते कहा है मुझे। तो यार जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में मेरा देखा था कि मैंने बड़ी शिद्दत से और बड़ी मेहनत के साथ यार डोमिनार पे काम किया था। जैसे काम हुआ भैया लेके गए, उसके 2 दिन बाद यार वो चोरी हो गई बाइक। तो जैसे ही भैया का कॉल आया ना कि भैया मेरी बाइक चोरी हो गई, मैं कहा क्यों यार मजाक क्यों कर रहे हो, कह रहे नहीं यार सीरियसली बाइक चोरी हो गई। मैं कहा है यार ये क्या बात हो गई। मतलब मैं अचानक से एकदम ना शॉक्ड हो गया था कि बताओ यार अभी 2 दिन हुए नहीं थे भैया को बाइक दी हुए, और उससे रिसेंटली 10-15 दिन पहले उन्होंने बाइक ली थी। तो यार देखो इतनी मेहनत से उन्होंने बाइक ली, फिर उसके बाद इतनी मेहनत से मेरे साथ काम भी कराया। तो मेरे को इतना दुख हो रहा है तो सोचो उनको कितना दुख हो रहा होगा यार। बाकी यार मैं फ़ोटो वगैरह डाल दूंगा बाइक की और नंबर वगैरह डाल दूंगा, अगर किसी को कुछ भी पता चलता है तो यार प्लीज़ बता देना, या तो मेरे को मेल कर देना, या तो कमेंट कर देना, या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि भाई साहब हमने यहाँ बाइक देखी है, यहाँ देखी है, कुछ भी हो, थोड़ा सा क्लू मिल जाए। बाकी मेहनत के पैसे हैं यार, आप समझ ही सकते हो। बहुत बुरा लगा यार सुन के, बहुत बुरा लगा। और वो भैया तिलक नगर रहते हैं और वहीं से वो चोरी हुई। क्लिप पड़ी है मेरे पास, क्लिप भी डाल दूंगा, आप देख लेना फिर एक बारी। अगर कुछ हो, पता चले कुछ भी, तो प्लीज़ यार कॉन्टैक्ट कर देना। और वो आए तो ड्यूक पे थे, और पहले एक बार ऐसे राउंड मारा, फिर उसके बाद दोबारा गए, फिर उसके बाद पता नहीं क्या उन्होंने लॉक में ऐसे कुछ पेशकश मारा या क्या करा, दोनों हाथ से दम लगाया और वो लॉक खुल गया। और आए भी थे वो KTM ड्यूक 390 थी मेरे ख्याल, हाँ 390 थी। बाकी आप लोग देखना ज़रूर यार, अगर कुछ हो सके तो प्लीज़ बता देना प्लीज़। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आज़ाद मार्केट, और जाके जाम देखो बहुत सारा है। और यहाँ पे कभी भी किसी को तिरपाल वगैरह या कुछ कैंपिंग से रिलेटेड कुछ भी लेना हो तो यहाँ मिल जाता है। वो टीस्टे भी मिल रही है, लेनी है तो इस साइड भी काफ़ी दुकानें हैं और यहाँ भी। बहुत सदियों के बाद इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए हैं कि पूछो मत। और अभी मैं काफ़ी टाइम बाद रहा हूँ, तो अब से जब भी आऊँगा तो दोपहर के आसपास ही आऊँगा, थोड़ा बहुत खाली मिल जाता है, अच्छा है। और हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, फिर पार्किंग में लगाएंगे, फिर पैदल जाएंगे वहाँ से यो। और यहाँ पे कभी भी कोई भी कोई साइड वाइड नहीं देखता, जहाँ मन करता है वहाँ डाल देते हैं ऐसे 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 ऐसे। क्यों भाई सही कह रहा हूँ? हाँ जब जिसका जहाँ मन करता है वहाँ डाल देते हैं। गाड़ी देख रहे हो,
इधर जाके फिर उधर जा रहा सीधा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे हमारी आएगी पार्किंग और यहीं कहीं लगता है चोर बाजार, यहाँ अंदर ही लगता है शायद, अंदर लगता है ना। हाँ चलो लगाएंगे स्कूटी वूटी फिर जाएंगे। और एक दो चीज़ें और भी लेनी है, वो मैं बताना भूल गया था कि हमें ड्रिमल टूल के लिए मोटर वगैरह भी लेनी है, जो कि काफ़ी हाई आरपीएम वाली हो और एक थोड़ी सी लो आरपीएम वाली हो, वो भी लेनी है। और जो उसकी एक्सेसरीज वगैरह जो भी होती है कटिंग वगैरह के लिए, वो भी लेना है। चलो भैया ये साइकिल लेगा, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ भाई। तो क्या होगा, बड़ी वाली साइकिल ले लेगा? नहीं भाई, अभी पीछे एमजी देखी थी तूने? हाँ एमजी खड़ी तो थी भाई, मुझे भी ले लो भाई। हाँ ले लो भाई, ले लो तू भी। एसी मशीन पे चलती है, वैसे नहीं चलती। क्यों कह रहा हूँ, दो तीन घड़ियाँ मैंने छोड़ दी है, वो थोड़ी महंगी हो गई, इसलिए रिपेयर के लिए रख रहे हैं। क्यों सही कह रहा हूँ, क्यों कब तो क्या फिर एक आध दिन टाइम लगेगा, एक आध दिन। चलो ठीक है, चले चलो भाई। यहाँ पे फिलहाल अपनी लस्सी भी आ चुकी है, या छोले भटूरे खा रहा हूँ और मैं राजमा चावल खा रहा हूँ। कैसा छोले भटूरे? ठीक है, अभी तेरा हाथ दिखेगा यार, वाइड एंगल नहीं है ना इसलिए, वाइड होता तो तेरा हाथ हाथ के सब कुछ दिख जाता। सब कुछ नहीं दिखाते। समझे में पक्का, क्या चल रहा काम? ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। और अभी फिलहाल हमने अंदर से, वहाँ पहले हम गए थे कैमरा मार्केट, तो वहाँ पे हमने लेंस ठीक कराने की कोशिश की, बट वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं होएगा, वहाँ जाके होगा। क्या कह रहे हैं, सर्विस सेंटर चले जाओ, वहाँ लेंस ठीक होगा। कह रहे हैं कि और महंगा खर्चा होगा, और महंगा खर्चा होगा, पता नहीं वहाँ कितना लेंगे। और गोप्रो की बैटरी लेनी थी, बैटरी भी ले ली, और आपको दिखानी भी थी ना पुरानी बैटरी, दिखाता हूँ मैं कैसे फूल चुकी है। तो ये देखो फूली फूली दिख रही है, थोड़ी 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 क्या पूरी फूल चुकी है, और यहाँ से क्रैक भी हो गई है। तो ये ख़राब होगी, तो उसके चक्कर में 1600 रुपये खर्च करने पड़े मेरे को। क्यों भाई, महंगा सौदा है। ये देखो नई बैटरी ली। और बाकी कुछ घड़ियाँ भी रिपेयर करानी थी, तो कुछ रिपेयर भी हुई हैं और एक दो नई भी दी है। एक तो इसने हाथ में भाई, एक रोमा के लिए लिया, वो घर जाके दिखाऊंगा आपको। और बाकी तीन चार तीन तो रिपेयर करा ली, ये रही तीन, और जो तीन और पड़ी हैं वो भैया के पास पड़ी हैं, वो कह रहे हैं मैं एक दो दिन में दूंगा, बाकी देखते चलो कैसे होता सीन। अभी फिलहाल खा लेते हैं। क्यों भाई, भूख लग रही है? भूख लग रही है। और अभी फिर उधर मार्केट भी जाना, जहाँ भीड़ दिख रही है। तो यहाँ पे देखो सुबह सुबह आए थे, और देखो शाम होने को भी, मतलब रात ही होने वाली है। मंदिर का नज़ारा देखो सामने, लाल किला देखो। हाँ हाँ, यहाँ पे शॉपिंग बहुत सारी हो गई है, ये रही कुछ इसके अंदर है कुछ, ये रही। और अभी एक दो जगह से और लेनी है। हाँ अभी लेनी है, चलो तो देख के एक्सीडेंट हो गया। हेलो हेलो हेलो, कितने बच्चे हैं भैया आपके? खुद ही बच्चे हैं। चलो ऑन कर, उड़ेगा देख कितनी तरह, हल्का छोड़। अरे ऐसे नहीं उड़ेगा ये थ्रो करना पड़ता है इसको। अच्छा। ये बूमरैंग की तरह। ये मैं बंद कर दूं फिर? ये तू बंद कर दे, गिर जाएगा भाई, और क्या होगा। दोबारा वो गुड़िया पे मारना, गुड़िया के पीछे या ऊपर सर पे? थ्रो करोगे तो वापसी है, वापस आ जाएगा। और अब इसका यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो, और इसके साथ रिमोट भी है जो भाई छुपा के रखा हुआ है। ये अब मैंने रिमोट दबाया, बंद हो गया। अब वापस दबाइए एक बारी, वो मैजिक है भाई, चालू हो गया, चालू हो गया, मैजिक है। मैजिक भाई, ये तूने जानबूझ के करा मेरे को लगा। अब हम चलाने लगे हैं, हम चलाएंगे बंदूक जो माचे की तिल्ली है जलती है। नहीं तो वैसे वो लाल लाल के आते थे उसके, हाँ वो पहले वो कैप्स होते थे ना वो जलाने वाले। तेरे को लगता है ये बच जाएगी? हाँ क्योंकि देख चुके हैं ना। हाँ तभी आ गए भाई, ये बच जाए नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी रिकॉर्डिंग। ये देख रहा है, ये बारूद धुआं भी निकलता है, इसका धुआं निकलता है बहुत बढ़िया। ले तेरे बच्चे के लिए। मेरे तो बच्चे ही नहीं है भाई, अभी तो कह रहा था दो बच्चे हैं भाई, तूने बोला था। इनके करो भैया, मैं इनकी वीडियो,
इधर आ, मैं तुम्हारी करता हूं। आ इधर आ, पहले चैनल किसका है? चैनल तो इधर आ, तो हम फाइनली पार्किंग में आ चुके हैं और दोबारा बात करिए, ब्लॉग बना दे, मजेदार ये इतना सारा सामान ले लिया हमने, हाथ में भी है थोड़ा बहुत, और अभी फिलहाल ये वाला कैमरा रख देते हैं, अब सीधा गोप्रो पे आएंगे, तो अभी चल दे फिर, जल्दी चलते हैं। चलो भाई जल्दी चल लेते हैं। और टाइम क्या हो रहा है? 8:30 आए, कितने बजे थे? 2:30 बजे निकले थे, 3:30 बजे आए थे, काफ़ी टाइम लग गया। चलो चलते हैं फिर। तो बाहर के रास्ते था बहुत जाम और हम यहाँ गुरुद्वारा साहिब के यहाँ से जा रहे हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भाई साहब यहाँ जाम देखो कितना सारा लगा हुआ है, हम पता नहीं कहाँ से घूम घूम के वहीं पे वापसी आ गए हैं और जाम इतना लगा हुआ है कि पूछो मत भाई साहब। और ये देखो भाई साहब, आ जा भाई, चलो और देखते हैं और कितनी देर में घर पहुँचते हैं यार। 9:30 तो यहीं हो गए, कितना टाइम हो रहा है? 9:25। चलो हाँ, खाली रोड मिल गई, बड़े टाइम बाद है, हर जगह जाम लगा हुआ है, हर जगह। तो जैसा कि आपने देखा होगा ब्लॉग में कि हम गए थे चांदनी चौक, तो यार वहां से आते आते ही हमें रात हो गई थी, तो हम काफी थक चुके थे, तो उसके बाद ब्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं हो पाई मेरे से, और आपको दिखाना था कि क्या क्या लिया है वो भी दिखाते हैं। एक तो ये हमने ये वॉच ली थी रोमा के लिए, काफ़ी दूर है कैमरा, वैसे पास कर लेते हैं एक बारी। तो ये देखो ये वॉच ली थी, मेरे को एक ही बार ये पसंद आ गई थी, और फिर उसके बाद मैंने रोमा को फ़ोटो भेजी तो कहती हाँ अच्छी लग रही है ले लो, तो एक तो ये ले ली थी, और ये बंदूक भी ली थी क्योंकि जब हमने गन चला के देखी थी तो उसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं आई थी, पर मगर पटाखा ज़रूर फूटा था। तो इसमें मैंने किया है एक चीज़ और है कि आगे से जो नहीं किया है ना, ये मैंने काट दिया था ताकि अगर किसी को लगे तो अच्छे से लगे तो सही, और एक बड़ी माचिस की तीली लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो वह खाली है, ये तो लेते हैं इसमें, ये माचिस की तीली ली, इसमें लगाई, और अब जोर से आवाई ना आवाज, आहा बारूद की खुशबू। और ये देखो ये भी लिया था, ये मेरे को अभी तक खैर चलाना नहीं आया, ये ऐसे उड़ता है, ऐसे थ्रो करते तो ऐसा वापसी आता है। अरे हाँ आ गया। अब वो कैसे होगा? और मैंने ये भी ली थी, ये एक तरीके से हम अगर पुराने ज़माने की बात करें तो स्लेटी कहते हैं इसको, बट इसको आज के ज़माने में कहेंगे राइटिंग टैबलेट, तो इसको कुछ भी लिखो विखो या कुछ भी डायमेंशन वगैरह लेनी होती है। ये मैंने दो लेके आया था, खैर एक गागे को दे दिया, मतलब गागा भी कभी कभी खेलता उससे, और रात को हम रोमा और मैं वहाँ पर जीरो घटा खेल रहे होते हैं, पहले मैं उसको हराता था अब उल्टा होता है वो मेरे को हराता है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि इस पर हिसाब वगैरह कुछ करना वो कर सकता हूँ, और भी कुछ चीज़ें भी जैसे लिखनी होती है, डायमेंशन वगैरह लेनी होती है तो वो भी लिख सकता हूँ, तो उस लिए ये लिया है, किसी ने माया मुया भी लेनी होती है ना तो इसमें हिसाब कर लेता हूँ। और ये दोनों मैंने मोटर ली थी, अब इसका क्या ही गुजाएगा ये आपको आने वाले कुछ ब्लॉग्स वगैरह में पता चल ही जाएगा। वैसे मैंने इसका ड्रिमल टून बनाना है, तो इसकी खैर आधी अधूरी चीज़ें मिली अभी से, मोटर ही मिली, और जो इसके आगे जो इसकी एक्सेसरीज़ वगैरह लगती है वो नहीं मिली थी, तो इसलिए एक बारी चक्कर मेरा दोबारा लगेगा चांदनी चौक का, वो फिर लेके आएंगे। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, कर देना यहाँ से, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बाय बाय।